what's good boys and girls, welcome to Vibe with Vic. सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ही थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिकॉज एटलीस्ट आपने हमारे वीडियोस देखने तो शुरू कर दिए हैं. लिटिल बिट ऑफ सक्सेस ऑन द प्रीवियस वीडियो बट गोइंग ऑन, आज हम कवर करने वाले हैं द सॉन्ग कॉल्ड नेवर फोल्ड बाय नन अदर देन द मैन द मिथ द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला बेबी. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द एक्शन एंड लेट्स सी व्हाट इट हैज टू ऑफर. लेट्स गो. Let the beat ride for a second, baby. Yeah. Sonny Walton. Yeah, y'all was calling us out, baby. We back. It's too early for all that. Guess who's back? Sidhu Moosewala. Yeah, baby. Sonny Walton. Jete lu pehla di pata. Pehla parchay ogo ho gaya si. Jadon hunda si main thara da. Ajo kali yat di range. Wow, just crazy. Bro, this is just fucking. Sorry, this is just crazy, man. Like the lyrics, and you know, like the whole package, yaar, ye Sidhu Moosewala is able to kill it. हर बार इतना अमेजिंग. लाइक आप किसी के गाने सुनोगे ना किसी आर्टिस्ट के, ये कभी आप ट्राई कर लेना खुद, उनकी कोई एल्बम आएगी 7-8 गानों की, भाई उसमें 2 हद से 3 या 4 गाने बहुत ही हिट होंगे, बाकी सब हैवी होंगे. लेकिन भाई साहब का एवरी सेकंड सॉन्ग इज लाइक सच अ बैंगर. लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ इस गाने के बारे में कि ये गाना आया था इसी साल अप्रैल 25th को, ठीक है, अबाउट अ मंथ बिफोर ही डाइड. बट यू नो इस गाने पे ऑलरेडी 67 मिलियन व्यूज हैं. एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि भाई इस पे कोई वीडियो नहीं है. इट्स क्रेजी क्योंकि बिना वीडियो के, लाइक बिना किसी एक्चुअल वीडियो के गानों को यूट्यूब पे उतनी ज्यादा यू नो लाइक 67 मिलियन व्यूज टाइप ट्रैक्शन आराम से नहीं मिलती है. बट क्या यार, लेट मी जस्ट वेरी क्विकली टॉक टू यू अबाउट द लिरिक्स. व्हाट ही सेइंग इज दैट यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही सेइंग दैट पहला पर्चा उदो हो गया सी जदो होंदा सी मैं 18 दा. यार अब पहली बात तो इसमें एक बात की आप सुनो कि ये जिस लहजे में गा रहे ना, ये एक बड़ा पिंड वाला लहजा है, यू नो लाइक थोड़ा लहरा के जो गाते हैं जो जलसों वगैरह में, ये उस लहजे से गा रहे. ही इज नॉट मतलब रिस्ट्रेन नहीं कर रहे अपने आप को कि मैं कंट्रोल में गाऊंगा, नहीं भाई खुल के दिल खोल के गा रहे हैं बंदा. सो पहला पर्चा अदो हो गया सी जदो होंदा सी 18 दा, आजो काली जट दी रेंज कुड़े पिछानी कर दी नारा दा. ओए होए होए, पहला केस पर्चा बेसिकली उसको बोला जाता है कि पहला केस वगैरह तभी हो गया था जब मैं 18 का होता था, और आज जो जट की जो काली रेंज है वो लड़कियों का पीछा नहीं करती, पीछा नहीं करती नारा दा. जिन्हें खेडना होंदा मैगनमा नाल आ रोज ना दे कम दे नहीं. जिस बंदे ने मैगनम से खेलना है, जिस बंदे ने बंदूकों से हथियारों से खेलना है, वो गुलाब के फूलों का क्या करेगा, यू नो. नाउ हियर्स द थिंग अबाउट दिस, इट हियर्स द मेन पार्ट. द हुक इज साडे लाणे जोने सुचियां दे साडे मिर्जे रांझे जमदे नहीं. And he repeats it. Now, इसमें ना तीन बड़े important word है. First, the word लाने. लाने is ये बहुत ही पुराना word है और इसका मतलब basically gathering के बाद जो मस्ती मजे होते हैं ना कि music वगैरह and then you know you chill together, वो लाने होता है. अब जियोने सुचियां दे, सुचियां ने. जियोने कौन है? जियोने जियोने मोड, जोना मोड एक डाकू था. एंड सुचिया दे, यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट सुच्चा सिंह सूरमा, वो भी एक डाकू था. लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि ये लोग ना बड़े हालात के मारे थे यार कि ये डाकू बन गए. इनकी बहुत पुरानी स्टोरियां हैं ये. आई थिंक कि सुच्चा सिंह सूरमा
ये कुछ 1875 की स्टोरी है यार इनके असल में। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूजिक जो यू नो ट्रेडिशनली जैसे आप देखोगे कि यूजुअली लाइक पुराने टाइम्स में ये होता था कि जो मम्मी पापा गाने सुन रहे उसी में बच्चों को भी मजा आता था, तो गांव खेड़ों में यही होता था काफी टाइम तक, आई एम श्योर अभी भी होता होगा। तो उनके घर वाले उनके पूर्वज ये जोना मोड़ और यू नो सुच्चा सिंह सूरमा की कहानियां, इनके गाने, इनके बारे में जो गाने बने हैं वो सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो इधर ये कह रहे साडे लाने जोने जोने सुचिया ने साडे मिर्जे रांझे जम देनी, कि भाई हमारे घर पे मिर्जे रांझे और लवी डवी अफेयर की बातें नहीं होती यार, हमारे यहाँ पे जोने और जोना मोड़ और सुच्चा सिंह सूरमा इन लोगों की जो कहानियां हैं ये हमारे घर में चलती है, इनके गाने चलते हैं हमारे घर में इनके अबाउट। तो दिस कोरस दिस हुक इज वेरी डीप इन अ वे दैट यू नो कि साडे मिर्जे रांझे जमदे नहीं साडे लाने जो यू नो जोने सुचिया ने। तो बेसिकली इनका एक ये अपने अपब्रिंगिंग के बारे में भी थोड़ा बता रहे हैं कि यार हमारे यहाँ पे यू नो लवी डवी बातें नहीं होती बेसिकली। सो दैट्स द थिंग, आगे चलते हैं, आगे अभी बहुत गाना बचा है। सो वैसे तो छोटा ही गाना है 3 ही मिनट का, बट लेट्स गो। To be honest, ना मेरे को सनी वॉल्टन कुछ खास पसंद नहीं है। जब से इस बंदे ने यू नो सिद्धू भाई के गाने लीक किए स्टार्टिंग से। खैर ब्रो, तो कमिंग टू द पॉइंट कि यार नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिरिक्स कि साढ़े रुतबे उमरा दस दिया ने यब्बा तो बचाने जाने आ हुड कल्चर कैरी कर दे आ डब्बा तो बचाने जाने आ। नाउ इसमें इन चार लाइनों में से 3 मेरे को समझ में आ गई, एक वर्ड मुझे नहीं समझ में आया कि साढ़े रुतबे उमरे उमरा दस दिया ने कि हमारे जो रुतबे हैं हमारे जो रसूख है जो हमारा औदा औरा जो है वो हमारी यू नो उम्र से पता लग जाता है कि भाई he's a यंग गन यू नो he's a यंग बक इन वो अपनी प्राइम में है वो ना अपना जो एक्सट्रीम कुछ पा सकता है लाइफ में कोई लोग अचीव कर सकते हैं वो अपने एक्सट्रीम पे घूम रहा है यू नो एंड हुड एंड यब्बा तो बेचाने जानते हैं। अभी यब्बा आई एम थिंकिंग इट्स मे बी ये स्लैंग है फॉर असला बारूद एंड ऑल दैट, उससे पहचाने जानते हैं। हुड कल्चर कैरी करते हैं डब्बा तो पहचाने जानते हैं कि भाई हुड कल्चर में अब आप देख ही रहे हो यार कि एक गांव में लड़के गांव का एक लड़का है बट वर्ल्ड लेवल म्यूजिक है वर्ल्ड लेवल बंदे की इंटेलिजेंस है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट इंटेलिजेंस वरना वर्ल्ड लेवल पे पहुंच भी नहीं पाओगे। तो हुड कल्चर कैरी करते हैं डब्बा तो पहचाने जानते हैं। डब्बा इज अगेन यू नो आई एम गेसिंग, प्लीज करेक्ट मी एंड पुट इट इन द कॉमेंट्स इफ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, बट आई एम गेसिंग कि अगेन इट्स रिलेटेड टू हथियार ओनली कि डब्बे में यू नो डब्बे में बंदूक टाइप। तो ड्रम विच हॉलो भरिया ने चीर पवादियां चमदे नी साडे लाने जोने सुचिया ने साडे मिर्जे रांझे जमदे नी। यार इनका जो एक बार्स का जो सेटिंग है ना इट्स वेरी यूनिक, ठीक है ना। तो ही इज अब मैं ज्यादा टेक्निकल होना नहीं चाहता हूँ लेकिन जो बार्स की इनकी जो सेटिंग है दैट्स वेरी यूनिक इन अ वे कि ए ए बी एंड देन बी, ये बहुत ही एक यूनिक सेटिंग है। खैर ड्रम विच हॉलो भरिया ने चीर पवादियां चमदे नहीं कि भाई ड्रम है हमारे पास उसके अंदर हॉलो पॉइंट गोलियां भरी हुई हैं और चीर पवादियां चमदे नहीं मतलब कि चमड़ी उधेड़ने वाली गोलियां ये। तो साडे लाने जोने सुचिया ने साडे मिर्जे रांझे जमदे नहीं। सो दैट्स इट, नेक्स्ट पैराग्राफ। यार ये सनी मॉर्टन
give me a mic and I'm spitting. VVS diamonds, all my records hitting. कुछ लोगों को हो सकता है कि वो सनी मॉल्टन ये लोग सब सिद्धू के दम पे ऊपर आए हैं भाई. कौन है सनी मॉल्टन? सिद्धू मूसेवाला दुनिया में फेमस है. म्यूजिक तो एक नंबर है ब्रो. It's very gangster, very West Coast. All right. Listen, let me also tell you very quickly the meaning of the last verse, which mere khayal mein jo last verse hai na bro, let me also talk to you very quickly ki ye na basically jo aapne gana inka suna hoga the last ride, उसमें इन्होंने यू नो कई लोग बोल रहे हैं कि बंदे ने अपनी डेथ को यू नो प्रिडिक्ट कर लिया और बहुत पहले पता था. और वो एक ही गाने में नहीं है ब्रो, वो बहुत गानों में है. आई एम जस्ट गोना शो इट टू यू. ये बंदा यहाँ बोल रहा है कि साडे रस्ते जाते नरकां नू पिछा ना करी नदानी चे साडी अत ते अंत या दोवे ही होंदे आ परी जवानी चे. भाई हमारे रास्ते नरक को जा रहे हैं, पीछा ना करना नदानी में. हमारी अत समझते हो कि अति हो गई, एक्सट्रीम. बंदे ने वो क्या क्या कुछ उसने अचीव कर लिया. साढ़े अत ते अंत या दोवे ही मेरी अचीवमेंट्स का हाइट अति, यू नो मेरी लाइफ की अति और मेरा अंत दोनों ही होंगे जवानी में. ब्रो मेरे ना अभी गूजबम्स खड़े हुए हैं, जबकि मैं ये गाना बहुत बार सुन चुका हूँ. सबने सुन रखा है, यू नो जो भी सिद्धू मूसेवाले भाई के फैन हैं उन सब ने सुन रखा है. लेकिन इस वर्स में ना यार मैं बड़ा लाइक अंदर से ना यार कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये संत आदमी था क्या यार? कोई यार मिथिक कोई आत्मा थी यार ये, यू नो ओल्ड सोल इन अ यंग मैन्स बॉडी. अदरवाइज ये सब बातें नहीं हो सकती यार कि साड़ी आते अंते या दोवे ही होंदी है परी जवानी चे. यार वो खुद बोल रहा है यार कि मेरी हाइट्स और मेरी डेथ दोनों जवानी में ही हो जाएंगी ब्रो. मेरे पास तो मैं अगर बोलने लगा ना इस वर्स के ऊपर ही तो 15 मिनट में खींच दूंगा उस बात को. बट आई डोंट वॉन्ट दैट. बट ब्रो ये गाना मेरे लिए इट्स वेरी क्लोज टू मी बिकॉज मैं ये गाना ऑलमोस्ट एवरी डे सुनता हूँ. इसका मैसेज इतना अमेजिंग है कि नेवर फोल्ड, यू नो कभी झुकना नहीं, कभी किसी यू नो किसी सिचुएशन में फोल्ड नहीं करने अपने पत्ते. खेलना है बैंजो, खेलेंगे यार. सो दैट्स द थिंग, दैट्स द पावर ऑफ सिद्धू मूसेवाला यार. रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पावर यार, रेस्ट इन पावर. मेरे को ये आपके साथ शेयर इसलिए करना था बिकॉज ये गाना मेरे बहुत नजदीक है. आई रियली लव दिस सॉन्ग एंड द सॉन्ग इटसेल्फ इज क्वाइट फैंटास्टिक. यार मेरे से कोई ट्रांसलेशन में या लिरिक्स वगैरह में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज करेक्ट मी. और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव एंड सपोर्ट टू आवर चैनल. We've crossed 100 subscribers. It's a very small target, but it's just the beginning. पहली बॉल पे सिंगल ले लिया हमने, डॉट बॉल नहीं करी है. तो ब्रो टिल देन इन द वर्ड्स इन द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट सिद्धू मूसेवाला, लव यू ऑल जी, टेक केयर, वाइब विद विवेक.